कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें जवान लड़का बाहर काम नहीं कर रहा है। बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। आज दशहरा है, लालू जी अपने घर परिवार के साथ दशहरा मना रहे होंगे, नीतीश जी अपने परिवार के साथ बैठे होंगे। आपका लड़का, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका भाई कहीं बिहार से दूर मजदूरी कर रहा होगा। जन सुराज का मतलब क्या? जनता का सरकार। नमस्कार मित्रों, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2015 के विधानसभा चुनाव में यह नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था और इस नारे को गढ़ने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की सड़कों पर हैं, बिहार में एक पदयात्रा कर रहे हैं। जन सुराज के नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई है, ये सामाजिक संस्था के तौर पर बिहार को मथने का काम कर रही है, बिहार को समझने का काम कर रही है और बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी कर रही है। किस तरह से काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर और क्या मुद्दे लेकर ये लोगों के बीच में गए हैं, ये आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस तरह से एक नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे बिहार की क्या तस्वीर बदलेगी, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन को दबाकर आप अपने ऑप्शन चुन सकते हैं और उस ऑप्शन के जरिए आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं जो इस वक्त स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बेहद जरूरी है। बहरहाल चलिए हम खबर को आगे बढ़ाते हैं और ये सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखा देना चाहता हूं प्रशांत किशोर का। कोई के पति बाहर रहता है, कोई का बेटा बाहर रहता है, कोई के भाई बाहर रहता ना, लौटे के चाहिए ना। नौकरी अगर ये मिल जाए तो है ना बढ़िया बात है, घर परिवार में रही। पहला काम ये कर आइला के बाद 6 महीना के अंदर अंदर सब आदमी के वापस लावे के जुगाड़ जा कर लिख के रखी हमार नाम, हमार कालर पकड़ ले। अगर 6 महीना के अंदर जितना बिहार के आदमी बाहर काम करत हन उनका के समझा के बुझा के उनका खाती अवसर एजे बना के उनका के वापस ले आए ताकि बाहर नाम काम करे पड़े। मान लिया दशहरा बार घर के रहो आदमी कहीं बाहर धक्का खा रहा बा, रोड बना रहा बा, कहीं मजदूरी करता, छठ में साल भर में एक दिन कभी एक महीना का तिहाई माना, एक साल के बाद नहीं पूरा आदमी के जिंदगी 18 साल 19 साल का लेकर चल जाता। जब ले 40 साल 50 साल उम्र हो महीना साल में एक महीना आवे के बाद घर आरोप देखा नहीं 25-30 साल से हमारे उम्र 45 साल बा, हमनी रहते 30 साल से ये बदलत नहीं। अब घरे माई बाबू बूढ़ बड़न लड़का उजा काम करते तमिलनाडु में कश्मीर में उजा से पैसा भेजा था लेकिन आ नहीं खे सकल, नया नया शादी भइल चल गई और फिर होगा जीवन भर वह साल में एक महीना आवे के बाद बदले के चाहिए ना। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशांत किशोर दरअसल बिहार में जो पलायन का मुद्दा है उसको बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि बिहार में जो लोग पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए रोजगार के लिए, वो पलायन हम रोक देंगे अगर आप हमारा साथ देंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी अभी बनी नहीं है, वो पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं और उनका कार्यक्रम ये है कि वो बिहार के सभी ब्लॉक्स में दौरा करेंगे और वहां पर एक ऐसी टीम बनाएंगे जो प्राथमिक सदस्यता उनको देंगे 50 लोगों को और वही 50 लोग आने वाले समय में पार्टी की रूपरेखा तैयार करेंगे, पार्टी का नाम तय करेंगे, पार्टी की रणनीति तय करेंगे और बिहार में किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह की लड़ाई सियासी होगी उसकी एक तस्वीर वो बनाएंगे। अभी जो उन्होंने संगठन बनाया है वो एक सामाजिक संगठन है और वो संगठन बिहार को मथने का काम कर रही है, बिहार की समस्याओं को जानने समझने का काम कर रही है।
प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते होंगे, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि 2014 में वो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में लाने के लिए, यानी कि केंद्र की सत्ता में उनको लाने के लिए, रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसको चुनाव, पूरी चुनाव परिभाषा को बदल दिया। 2015 में जब नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया था चुनाव के एंड पहले, तब प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार को सत्ता में वापस आने में मदद की थी और तभी यह नारा बुलंद किया गया था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो प्रशांत किशोर अभी तक दूसरे लोगों के लिए, दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए काम किया है, तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया है। जब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विधानसभा चुनाव में घनघोर लड़ाई हो रही थी, तब प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने ममता बनर्जी का नैया पार लगाया। तो प्रशांत किशोर जमीन पर किस तरह से लोगों के मनोभाव को समझा जा सकता है और मनोभाव को बदला जा सकता है, ये तकनीक और ये विज्ञान वो पूरी तरह से समझते हैं। 10 वर्ष जो हम काम करत रही तो बड़ा बड़ा नेता और पार्टी वाला आता है हमारे पास, ये भैया चुनाव कैसे जीतना है, इसके लिए कुछ पैसा ले लीजिए, हमको मदद कीजिए। मीडिया वाला कहता है चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार, कोई से पैसा नहीं लिए आज तक। डॉक्टर के लड़के हैं, अपनी बुद्धि से देश भर को जीत कर आए हैं, अब इसलिए वही पैसा लगाएंगे समाज में कि आप जीत कर आइए। पैसे के वजह से कोई बिहार का लड़का पीछे छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा संकल्प है। और अगले 2 साल में आप देखिएगा कि कैसे समाज से ढूंढ कर सही लोगों को निकालते हैं। आप किसी समाज के हो, पैसा हो ना हो, आप साथ में आइए, बिहार को सुधारने का जज्बा होना चाहिए। आपके पीछे पूरी ताकत व्यवस्था लगाएंगे। बिहार में उनकी राजनीति कैसे चलेगी आगे, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह के मुद्दों के साथ वो लोगों के बीच में है, लोगों में एक हलचल है, लोगों में एक उम्मीद है, और उस उम्मीद को आप समझ सकते हैं इस वीडियो के जरिए। जन सुराज का मतलब क्या? जनता का सरकार। तो जनता का सरकार कैसे बनी? उहे बनावे खातिर पद यात्रा पर निकलल बानी। जनता से एक बार वादा जो कर दिए है उससे पीछे नहीं हटेंगे, वाले हैं। एक बार चलने का निर्णय ले लिए हैं, समाज को मथने का निर्णय ले लिए हैं, तो समाज में जाएंगे, आपको जगाएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगली बार विकल्प के अभाव में ये भैया कोई नहीं थे अच्छा के बाद, अच्छा के विकल्प के अभाव में गलत आदमी के बटन ना दबे के चाहिए ना। मित्रों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। वो किसी न किसी रूप में सत्ता के साथ रहे हैं, सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में रहते हैं और इन दिनों एक बार फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी सरकार चल रही है। 2024 चुनाव उनके सामने भी है। प्रशांत किशोर के सामने 2024 का चुनाव नहीं है, प्रशांत किशोर वो 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी 2025 की उनकी तैयारी का असर 2024 में आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए 2024 के चुनावों को प्रशांत किशोर प्रभावित कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि प्रशांत किशोर इस वक्त जो उन्होंने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है उससे महागठबंधन के प्रति एक अविश्वास पैदा हो रहा है। महागठबंधन के प्रति उनके हमले से एक अविश्वास का माहौल बन रहा है, क्योंकि वो लगातार अपनी सभाओं में, अपने मीटिंग्स में, अपने 1-to-1 संवाद में वो नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। और जाहिर है नीतीश कुमार को जब वो निशाना बना रहे हैं तो इसका राजनीतिक लाभ उनको भी होगा और कुछ दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। क्या होगा भविष्य में, हम इसकी चर्चा आगे अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक वीडियो और सुना देता हूं जिसमें वो कह रहे हैं
नीतीश कुमार के शराबबंदी कार्यक्रम के बारे में क्या कहा है उन्होंने सुन लीजिए। नीतीश जी कहता है की शराबबंदी कह दिल बांधते से सब महिला उनके के वोट देता, शराबबंदी चाहिए खराब हमारा की बताए कि शराबबंदी चाहिए कि पुरुष लोग काम करते वापस लौटे के चाहिए, लौटे के चाहिए ना। तो इस वीडियो के साथ आप प्रशांत किशोर की राजनीति का थोड़ा सा आपको झलक मिल गया होगा। जो लोग बिहार में रहते हैं उनको प्रशांत किशोर की राजनीति समझ में आ रही है, लेकिन देश के स्तर पर चूंकि बिहार पर नजरें टिकी हुई हैं 2024 के चुनावों की बनिस्पत, तो बिहार में किस तरह की राजनीति चल रही है, और कहा जाता है कि बिहार में तीन ध्रुवीय राजनीति चलती रही है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। लेकिन अब बिहार में एक चौथा फोर्स तैयार हो रहा है, ये चौथा फोर्स मिलकर चार ध्रुव हो जाएगा, या जो इस बार गठबंधन बना है महागठबंधन, ये एक साथ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, और ये नए तीन ध्रुव बन जाएंगे जो चुनावों को आगे प्रभावित करेंगे, ये भविष्य में इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिर तक हमारा ये वीडियो देखा है। नमस्कार। देखिए आदमी बाहर फंस गई तो नीतीश कुमार को अगर मदद करे छात्र के भाई ले आओ घर आओ वापस, आदमी जीव घबरा था कि भाई वो जा का होता कहां फंस गई भयानक रोग फैल गई बा तो करा के लावे खातिर मदद का नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में करा काम ही नहीं करे बे के बताई कोई के लड़का कहीं फंस गई बा आप करा के आवे ना देब रे बा तो मानी बाबे माई के मृत्यु हो जाए ओहु में फसले रह जाए तो बहुत सब काम बा लेकिन पहला एगो काम रो एकदम आश्वासन दे के जाता नहीं है बात के अगर मौका मिलल तो 6 महीना के अंदर जे कोई भी अपना वापस आके परिवार के साथ रह के काम चाहता ओकरा के व्यवस्था कइल जाए हर हालत में कइल जाए। रोड बनो चाहे मत बनो, रोड बनो चाहे मत बनो, ओकर बाद में व्यवस्था होई। पहले जे बिहार के आदमी बाहर जाके काम करता धक्का खाता गाली गलौज सुने पड़ता बिहारी बिहारी मतलब बेवकूफ बिहारी मतलब बदमाश ओकरा के वापस ले आवे के बाद रोजगार एजे मिली तबे न रही।
पेट खाते वो लौटे के चाहिए ना तो कैसे लौटी रहा वोट देता नहीं तो वोट देते समय सोचता नहीं कि हमारे जात के बाकरा के दे दो।